पर हम लोग आए हुए हैं। अभी आपने मार्केट में मेनली देखा, आपने ज्यादातर बच्चे जो है मेडिकल इंजीनियरिंग या और मैनेजमेंट कोर्सेज की तरफ या डिग्री प्रोग्राम में नॉर्मल डिग्री को कोर्सेज के लिए बारे में आपको मालूम चले। और आप अपने आप को, क्योंकि ये प्रोग्राम जिनकी बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये सारे कोर्सेज ऐसे हैं इनको करने के बाद आपको जो जॉब्स की प्रॉब्लम जो है, तो हमारी एफर्ट है कि हम बच्चों को जानकारी प्रोवाइड। पूरे हिंदुस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट जो है बहुत ज्यादा है। आपको पढ़ने के बाद में, आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ने के बाद में आपको रोजगार के लिए आपको जगह जगह जाना पड़ता है। या आप सभी जानते हैं कि मेरा नाम एम एस कटोच है, मैं प्रेसिडेंट हूँ एसोसिएशन ऑफ रिकॉग्नाइज्ड कॉलेजेस ऑफ हेल्थ साइंसेज का। आज हम लोगों ने यहाँ पर कैरियर काउंसलिंग फेयर यहाँ पर लगाया है बच्चों के लिए। ये रणवीर हाई सेकेंडरी स्कूल में एक प्रोग्राम हम लोगों ने डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन की मदद से और सीईओ साहब जो जम्मू के हैं उनके सहयोग से ये एक प्रोग्राम हम लोगों ने यहाँ पर बच्चों के लिए ऑर्गेनाइज किया है। इसमें तमाम जो नर्सिंग, पैरामेडिकल और फार्मेसी जो कोर्सेज हैं इसके बारे में बच्चों को हम जागरूक कर रहे हैं, ताकि बच्चे जो हैं उनको ये नए जो इमर्जिंग फील्ड्स हैं हमारे जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में उसके बारे में पूरा इनको जानकारी दे रहे हैं, ताकि बच्चे जो हैं वो बाहरी रियासतों की तरफ न जाते हुए अपनी रियासत के अंदर जो अपॉर्चुनिटीज़ एजुकेशन सेक्टर में अवेलेबल हैं उनको वो एक्सप्लोर करें, और घर में अपने 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 जगहों पर रहते हुए, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अगर हम देखें तो मैं जम्मू सूबे की स्पेशली जो बात करूंगा तो जम्मू में हमारे पास में इस वक्त नर्सिंग, पैरामेडिकल और फार्मेसी में डिग्री, डिप्लोमा और जितने भी तरह के प्रोग्राम्स हैं उसके लिए हमारे पास यहाँ पर इंस्टीट्यूशन जो है अवेलेबल है। और उसमें बहुत सारे बच्चे जो हैं पहले तो बाहर जाया करते थे, लेकिन अब हम बच्चों को जागरूक कर रहे हैं स्कूल में, सभी स्कूलों में जा जा करके आप यहाँ पर जम्मू में अपने घरों में रह करके इस एजुकेशन में अपने आप को एक्सप्लोर करें। और क्योंकि ये जितने भी कोर्सेज हैं इसमें इन कोर्सेज को नर्सिंग या पैरामेडिकल या फार्मेसी के कोर्सेज करने के बाद बच्चों को एम्प्लॉयमेंट में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें आज बच्चे जो करें, जो भी कोर्स ज्वाइन करेंगे तो 2-3 साल के बाद इनको कोर्स कंप्लीट होते ही इनको कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो आज हमारे पास में ये रणवीर हाई सेकेंडरी स्कूल में जो तमाम बच्चे जहाँ पर जो आए उनको हमने जागरूक किया, उनको बताया इन कोर्सेज के बारे में, और उनको हमने जो भी सरकार की भी जो स्कीम्स हैं जिसमें वो फाइनेंस को लेकर के कई बच्चे गरीब हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते फीस, उनको हमने उसकी भी जानकारी दी कि आप स्कॉलरशिप कैसे अवेल कर सकते हैं या फाइनेंशियल मदद आप कैसे अवेल कर सकते हैं उसके बारे में भी हमने उनको जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड की है। इसमें सीईओ ऑफिस की तरफ से इन्होंने जम्मू के जितने भी जो क्लस्टर हेड हैं यहाँ के जो स्कूल्स के उनको उन्होंने यहाँ पर डिप्यूट किया हुआ है, वो अपने एरियाज के बच्चों को यहाँ पर ला रहे हैं और उनको हम उनको उन लोगों को हम सभी को एजुकेशन इसके बारे में पूरा जानकारी दे रहे हैं। और आज जम्मू के जो जितने भी लोग हैं उनके लिए, कल हमारा आरएसपुरा में है, परसों हमारा अखनूर में है और उसके बाद में 30 तारीख को हमारा मढ़ में है। तो ये सभी जगह पर जो डायरेक्टरेट स्कूल एजुकेशन जो है एक बहुत बड़ा एक उन्होंने स्टेप लिया है। मैं समझता हूँ ये, मैं अपने मौजूदा सरकार को भी धन्यवाद देता हूँ और डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जो है उनको भी धन्यवाद देता हूँ और स्कूल एजुकेशन जो सीईओ साहब हैं उनको और उनकी पूरी टीम को भी धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने अपना पूरा जो सहयोग हमें एक्सटेंड किया इस प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए। मैं समझता हूँ इस तरीके से ये आगे भी अगर करेंगे तो ये हमारे आने वाली पीढ़ियों को, जो बाहर हमारे बच्चे जा करके किसी की परेशानियों का जो सामना करते थे उन परेशानियों से ये बच्चे बचेंगे
और एक बड़े किफ़ायती और बड़े रीजनेबल पैसे में उनकी एजुकेशन जो है वो यहाँ अपने घरों में रहते हुए अपने पेरेंट्स की निगरानी में रहते हुए, ख़ास तौर पर जो बच्चियाँ जो लड़कियाँ हमारी जो हैं उनको यहाँ पर अपने घरों में रह करके जो एजुकेशन लेने की उनको एक मैं समझता हूँ एक सहूलियत मिलेगी यहाँ।